क्या नाम है? राजेश। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से। क्या काम करते थे वहाँ? कंपनी काम करते थे। तो वहाँ से लौट के आए हो, क्या कोई समस्या आ रही थी वहाँ पर? तो परेशानी थी, खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं थी, बच्चे ही भूखे मर रहे थे, हम भी भूखे थे। सरकार की तरफ से सुविधा उपलब्ध कराई गई है? कोई सुविधा सुविधा नहीं वहाँ, तो सब लोग भूखे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ में। वहाँ आप किराए पर रह रहे थे अपना? नहीं, किराए पर रह रहे थे। तो उन्होंने आपको कोई सुविधा नहीं दी? नहीं नहीं, कोई सुविधा नहीं। किराए वाले भी बोल रहे थे भाड़ा दो, हमको भाड़ा मांग रहे थे। तो भाड़ा को सामान उतारो। क्या नाम है आपका? देवी। कहाँ से आई हैं आप? अभी कहाँ जा रही हैं? वहाँ से किससे आई? ट्रेन से। पैसा लिया था या फ्री आए थे? ट्रेन में कोई पैसा नहीं लिया, बस में आए लोग वहाँ से अहमदाबाद से, तो ट्रेन तक का लगा था। ट्रेन में भी फ्री आए? ट्रेन में। वहाँ से आप वापस क्यों आए? वो परेशानी थी, 2 महीना हो गए, तो कुछ भी खाना नहीं थी, कोई नौकरी धंधा नहीं है, तो क्या खाएं क्या करें, बच्चों को खिलाएं। सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई? 10-5 किलो मिलता है, तो उससे क्या होता, 5 महीने के बीच में बराबर के खाने पीने वाले। जहाँ आप रहते थे वहाँ और किस किस तरीके की समस्याएं आ रही थी? यही सब कम, तो कोई खाने पीने की पूछने नहीं आता कि क्या भूखे होंगे, क्या प्यासे होंगे, क्या तकलीफ है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।